गोवा में प्रमोद सावंत लेंगे सीएम पद की शपथ। समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, कई बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। शिवसेना के नेता संजय राउत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने पीडीपी को मजबूत किया। महबूबा मुफ्ती के बयान के पीछे भगवा पार्टी जिम्मेदार। दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव ने कहा नगर निगमों के एकीकरण के बाद खत्म कर देनी चाहिए दिल्ली असेंबली। साल 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 47 दिन तक चलेगी यात्रा, कोरोना प्रोटोकॉल्स का करना होगा पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्य को लेकर तहसील जोशीमठ में संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ समीक्षा बैठक की है। साथ ही मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित कार्यों और उनमें आ रही समस्याओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और जल्द उनका समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध आस्था का केंद्र उत्तराखंड में स्थित मां अपूर्णागिरी के श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि पीलीभीत में पिछले 2 साल से कोरोना काल और 2 साल से ब्रॉडगेज के काम के चलते ट्रेनों का संचालन 30 जून 2018 से बंद था, लेकिन लंबे समय के बाद होली के पर्व के बाद से पूर्णागिरी मेला शुरू होने के चलते श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने 2 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया। वहीं इसी को लेकर लोगों की राय जानी, पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता ने क्या रही लोगों की राय, आप भी सुनिए। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरी धाम जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित है, वहीं माँ पूर्णागिरी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें। पीलीभीत जनपद में बीते 4 साल से कोरोना काल और 2 साल ब्रॉडगेज के चलते ट्रेनों का संचालन रेल विभाग ने बंद कर दिया था, वहीं इस बार पीलीभीत से 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन रेल विभाग ने शुरू कर दिया है। जो पूर्णागिरी धाम जाने वाले श्रद्धालु हैं, जो लाखों की संख्या में यहां से माँ पूर्णागिरी धाम दर्शन को जाते हैं, उनके लिए काफ़ी सहूलियत यहां पर दी गई है। आपको बता दें, कासगंज से बाया पीलीभीत होते हुए ये ट्रेन टनकपुर जाती है और जहां लोग श्रद्धालु माँ पूर्णागिरी धाम के दर्शन करते हैं। वहीं कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उस पूर्णागिरी धाम मेले को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कश्यप है। शिवम जी, जिस तरीके से माँ पूर्णागिरी धाम के लिए यहाँ से ट्रेनों का संचालन, 2 जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू किया है रेल विभाग ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है। वर्ष 2018 में पीलीभीत मीटर गेज से ब्रॉडगेज कन्वर्जन के लिए रेल बंद किया गया था। उसके बाद लगभग 2 साल हम कोरोना काल से गुजरे, 4 सालों के बाद हमें सीधे मेला स्पेशल ट्रेन रेल परिवार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से दी गई। ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, सुनिश्चित ही बहुत आसानी से वो अपना सफ़र कर रहे हैं पूर्णागिरी धाम के लिए। जिस तरीके से 2 साल कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं मेले पे प्रतिबंध भी था और 2 साल ब्रॉडगेज के चलते जो है ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था, तो ऐसे में माँ पूर्णागिरी धाम जाने के लिए इस एकमात्र यही एक साधन है, इसके अलावा और भी कोई साधन है? देखिए, सड़क मार्ग भी है, नेशनल हाईवे 731 का पीलीभीत से टनकपुर लिपुलेख भिंड मार्ग सड़क माध्यम से आप उसके रोडवेज हैं, अपने साधन में अन्य संसाधनों से भी जा सकते हैं। हवाई मार्ग की बात करूं तो मैं दिल्ली से, हम लोग पंतनगर हवाई पट्टी है तो वहाँ आएंगे या देहरादून जाएंगे जॉली ग्रांड, तो उसके बाद भी हम लोग फिर उसके बाद हमें सड़क के माध्यम से सफर तय करना पड़ेगा ऐसा। और बाकी उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है और पूर्णागिरी धाम के अलावा आसपास में नानकमत्ता और बनवसा बैराज, उसके तलहटी में नेपाल ब्रह्मदेव इत्यादि में पर्यटन काफ़ी बढ़ावा होता है और पर्यटकों को काफ़ी सहूलियत मिलती है। अच्छा है, उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है तो घूमने के लिहाज से भी पर्यटन आए तो उनका स्वागत है। पीलीभीत भी टाइगर रिजर्व है चूँकि, तो हम लोग रेल प्रशासन का बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि पूरे देश में माँ पूर्णागिरी की ख्याति हो और रेल, भारतीय रेल ने भी एक पीलीभीत से टनकपुर से एक दिल्ली के लिए ट्रेन का संचालन किया है जिसका नाम माँ पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस रखा है। ये बहुत खुशी की बात है।
पीलीभीत के सारे निवासी इसके लिए हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। जिस तरीके से बात की जा रही है माँ पूर्णागिरी धाम की, तो माँ पूर्णागिरी धाम जो है क्या मान्यता है इस मेले को लेकर और माँ पूर्णागिरी को लेकर? देखिए, हमारे पौराणिक ग्रंथों में है कि भगवान शिव की पत्नी है सती। सती ने अभिमान अपने पिता दक्ष प्रजापति के तिरस्कार, भगवान शिव के तिरस्कार के बाद अपने आप को हवन कुंड में समाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनके 51 भाग किए, जो पूरे भारत संपूर्ण भारत में फैले और 51 शक्तिपीठों के नाम से विख्यात हैं। तो ऐसे में माँ पूर्णागिरी धाम, जहाँ पे देवी सती की नाभि का गिरना हुआ है, तो लोग पूर्णागिरी आते हैं और उनकी सारी आस्था पूरी होती है, इसलिए उनका नाम देवी पूर्णागिरी है, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। जिस तरीके से हमने बात की ये थी, शिवम कश्यप पेशे से अधिवक्ता भी हैं और स्थानीय निवासी भी हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो जानकारी जो हमें उपलब्ध कराई है, तो आपको बता दें कि जो पूर्णागिरी का जो धाम है, माँ यशवंती देवी के दर्शन करने का भी एक यहाँ पे मान्यता दी जाती है कि आप यहाँ दर्शन कीजिए, उसके बाद ही आप जो है माँ पूर्णागिरी धाम के दर्शन को जाइए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते तो जो जो दर्शन है वो अधूरे रह जाएंगे। पीलीभीत से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रांजल गुप्ता। नैनीताल के सर्किट हाउस कालगोदाम में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड बैठक कमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मंडल आयुक्त ने अधिकारियों को टिप्स दिए। बता दें कि बैठक में मंडल आयुक्त ने प्राधिकरण के अधिकारियों को कई जगहों पर स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जो भी अधिकारी हैं वो जाएंगे और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दरअसल विकास प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड बैठक हुई थी, जिसमें मंडल आयुक्त ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज धर्मनगरी हरिद्वार दौरे पर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था रही। गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल पर स्कूल संचालित रहने के दौरान शराब पीने का आरोप लगा है। बता दें कि प्रिंसिपल प्रदीप कुमार पर नशे में धुत रहकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा। प्रिंसिपल साल 2008 से इस स्कूल में नियुक्त हैं, लेकिन इसकी शराब की लत से परेशान होकर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लिया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से की, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधम सिंह नगर से रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा हरिचांद गुरचांद मंदिर में माथा टेकने गए थे। इस दौरान मथुआ मिशन के अनुयायियों की तरफ से विधायक शिव अरोड़ा का मंदिर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मंदिर में माथा टेकने के बाद शिव अरोड़ा ने गुरु विवेकानंद महाराज का आशीर्वाद भी लिया। इस बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार आई और उत्तराखंड का विकास करने के लिए आई, और नरेंद्र मोदी जी का भी पुष्कर सिंह धामी जी का भी एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और उसके बाद चल रही है। अभी तो आरंभिक चरण है, तो मुझे लगता है कि सबके विकास के लिए अभी निर्णय होते हैं। मुझे नहीं लग रहा इसके बारे में कुछ बोलने का। काशीपुर में प्रसव पीड़ा होने पर एक सप्ताह पहले एक महिला के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब महिला की मौत का मामला फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर सीएमओ के निर्देश पर गठित टीम ने पीड़ित पक्ष के बयान लिए हैं। बता दें कि काशीपुर के सिद्धि विनायक अस्पताल में एक सप्ताह पहले इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी पत्नी को भर्ती करने के बाद महिला चिकित्सक ने ऑपरेशन की बात कही, जहाँ गलत तरीके से ऑपरेशन करने के कारण उसकी पत्नी की जान चली गई थी। उसमें मिस्टर जुनैद आलम है, जिनकी पत्नी की सिद्धिविनायक अस्पताल में मृत्यु हुई है इलाज के दौरान, ठीक है सर। उसमें शिकायत है कि गलत इलाज की वजह से, लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी शिकायत सीएमओ साहब के यहाँ गई होगी, तो उन्होंने एक पैनल का गठन किया है, जिसमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, डॉक्टर हरीश पंत, डॉक्टर मदन मोहन जो एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर हरीश पंत सर्जन है, और एक हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है लेडी डॉक्टर। मेरी वाइफ के
हल्का सा धप्पे से आए और मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करा, जो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड भी है, उनकी जूनियर को। तो उन्होंने कहा आप अपनी वाइफ को तुरंत ले आइए। मैं वहाँ ले गया, मैम ने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी। इस प्रयास हमारी बीबी का मतलब वो सहयोग नहीं कर पा रही थी, मतलब नॉर्मल में। तो उन्होंने कहा आपकी वाइफ नॉर्मल की सहयोग नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे इन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैडम ने कहा मैडम कर लीजिए। मैडम ने मुझसे तीन लाइन का लेटर पैड पर अपने तीन लाइन पे लिखवा के और उस पर स्टैम्प लगाया और नीचे की अपनी तरफ से लाइन बढ़वा दी। बंगलौर गुड़ और आम के लिए देश के कोने कोने में मशहूर है। यहाँ का आम देश के कई हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। दरअसल मंगलौर का आम प्रसिद्ध होने के साथ यहाँ के अधिकतर किसान आम की फसलों पर निर्भर हैं। कोरोना काल के चलते पिछले दो सालों से आम की फसलों की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस बार आम का व्यापार करने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आम के बागों में इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद भी नजर आ रही है। आपदान आई तो आम बहुत बढ़िया तरीके से आया हुआ है, बहुत फूल आया हुआ है, बहुत बढ़िया कोहरा आया हुआ। तो अगर कोई आपदान आई तो आम अब की बार बहुत बढ़िया रहेगा, लोगों को मुनाफे हो जाएंगे। और कोई आपदा आ गई तो फिर वो तीन साल की दो साल की तरह ही रह जाएंगे ठेकेदार लोग। इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार बोर बहुत अच्छा आया हुआ है, जहाँ भी देखो तमाम बोर ही बोर लगा हुआ है। इस बार उम्मीद है इंशाल्लाह मंगलौर का आम फेमस है और हमेशा मंगलौर के आम की चाहत होती है, विदेशों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो इनका ज़्यादातर माल कलकत्ता, मुंबई, झरिया और तमाम दीगर सूबों में जाता है। यहाँ के आम की बहुत अच्छी मांग है और आम भी बढ़िया होता है। यहाँ की दशहरी, चौंसा, लंगड़ा और मुंबईया बहुत फेमस है पूरे हिंदुस्तान में। मंगलौर पहले से ही जाना जाता है आम की वजह से। IDPL कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से हाई स्कूल और इंटर के छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने का मामला सामने आया, जहां छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल की ओर से उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से जारी योजना के तहत उन्होंने टैबलेट और मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, जिनके बिल भी प्रिंसिपल के सामने प्रस्तुत किए गए, मगर प्रिंसिपल मोबाइल के बिल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में छात्रों ने कॉलेज के बाहर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। सरकार द्वारा एक योजना आई टैबलेट के लिए, कक्षा 10 वाले के लिए और कक्षा 12 के लिए। बच्चे के खाते में पैसा आया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो टैबलेट खरीद करके आए, कुछ इसमें से ऐसे बच्चे थे जो उस पैसे का दुरुपयोग करते हुए कोई यह बहाना बना रहा है कि मुझे पिताजी की तबीयत खराब थी उसमें लगा दिया, कोई यह कह रहा है कि वो पैसा जैसे मेरे यहाँ घर में भूखमरी छा रही थी मैंने उसमें खर्च कर दिया तो हम टैबलेट नहीं ले सकते हैं। तो उनसे ये कहा गया कि कैसे यदि आप नहीं ले सकते हैं टैबलेट तो आप लिख करके दे दें कि मैं टैबलेट नहीं लूँगा, इसकी सूचना मैं सरकार को दे दूँगा, सरकार यदि चाहेगी तो आपका टैबलेट फिर से पुनः देगी या फिर वो पैसा आपसे रिकवर लेगी। हम यहाँ पर आए थे, क्या कहते हैं, जैसे IDPL इंटर कॉलेज में मेरी बहन पढ़ती है तो हम इनका एडमिट कार्ड लेने आए थे। तो सर ने कहा कि पहले तुम्हें 12,000 रुपये मिले हैं उसका बिल ला के दिखाओ टैबलेट का, और टैबलेट दिखाओ अपना ला के, क्योंकि टैबलेट के लिए मिले थे वो पैसे। तो हमने कहा कि सर हमने टैबलेट तो नहीं ले पाए लेकिन उसका उन पैसों का फ़ोन लिया है, हम आपको फ़ोन का बिल दिखा रहे हैं। GST बिल मांगा था उन्होंने कि GST नंबर चाहिए उसका, तो GST बिल का हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन हमारे पास टैबलेट नहीं है, उन पैसों का हमने टैबलेट नहीं लिया। मैं क्या कहते हैं स्कूल में एडमिट कार्ड लेने के लिए गई थी, जो तीन दिन से हम चक्कर डेली काट रहे हैं स्कूल के कि हमें एडमिट कार्ड दे दो, क्योंकि 28 मार्च से हम लोगों के पेपर हैं। इसलिए सर और प्रिंसिपल सर बोल रहे कि जो सरकार की तरफ से तुम्हारे बैंक में पैसे आए हैं उससे तुम्हें टैबलेट लेने हैं, लेकिन मैंने फ़ोन खरीद लिया और मैंने उस फ़ोन की रसीद भी सर को दिखाई कि मुझे मैंने फ़ोन ले लिया, इसलिए पढ़ाई टैबलेट से भी होनी है फ़ोन से भी होनी है इसीलिए। तो सर ने नहीं दिया कि, और मेरे साथ जितने भी बच्चे थे हमारी क्लास में कम से कम 70-80 बच्चे हैं जो मना किया कि हम तुम्हें प्रवेश पत्र नहीं देंगे। चमोली में मेडिकल ऑफिसर SP कुड़ियाल की अगुवाई में सीतापुर आए हॉस्पिटल में 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त जिले में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के अवसर पर ANM और आशाओं को भी सम्मानित किया गया है।
हमारे 12 से 14 वाले में जो हमारा 13,000 का लक्ष्य था हमारा, उसमें से हम करीब 9,000 हमने लगा दिए हैं, जो 71.6% हो रहा है। और इसमें हमारी स्थिति अच्छी है, प्रदेश में हम सर्वप्रथम स्थान पर हैं, सबसे ऊपर हमारा है, सेकंड नंबर पे बागेश्वर है। और इसमें हम प्रत्येक स्कूल में जाके वहाँ से 12 से 14 वालों की लिस्ट ले रहे हैं, वो लिस्ट हम जो है अपने डॉक्टर्स को दे रहे हैं, अपनी टीम को दे रहे हैं, और वो टीम वहाँ पर उनको चिन्हित करके प्रत्येक स्कूलों में जाके उन बच्चों को लगा रही है। और 12 से 14 कुछ बच्चे ऐसे भी जो नहीं जा रहे हैं, उनको घर घर जाके टीका लगाया जा रहा है। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि 500 कुष्ठ रोगियों की सेवा करना एक बड़ा कार्य है, जो कि नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न का भी हकदार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से कार्यक्रम में आकर गौरव प्रदान करने पर हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। साढ़े 500 कुष्ठ रोगियों के बच्चों की सेवा और लगभग लगभग ऐसे ही 400-500 जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी सेवा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। 2-4 बच्चों को भी संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है। 550 कुष्ठ रोगियों की बच्चों के निरंतर पिछले 25 वर्षों से सेवा का एक बहुत बड़ा ये कीर्तिमान है, इसलिए मैंने कहा यह नोबल कार्य है। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन नोबल पुरस्कार का हकदार है, भारत रत्न का हकदार है। इतना बड़ा कार्य किया आदने भाई आशीष जी ने, संजय जी ने। और ये सच है कि कई बार पुरस्कारों में भी अलग अलग प्रकार की कैंपेन चलाए जाते हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने सेवा साधना संबोधी की लगभग 25 सालों की यात्रा तय की है, और 25 सालों की यात्रा पर एक रजत जयंती कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया। पिछले एक वर्ष से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्घाटन पिछले 11 मार्च में हुआ था। इसमें माधरड़ी सरसंग चालक जी की उपस्थिति थी, उन्होंने उद्घाटन किया था। आज समापन था। आज महामहिम भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उपस्थित थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को और जो सेवा का संदेश लेकर जन जन में जा रहे हैं उनको आशीर्वाद दिया और समाज को मोटिवेट किया। स्वामी विवेकानंद जी की कथन जो नर सेवा नारायण सेवा है उसको उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को समाज के सेवा के साथ लगना चाहिए। प्रेम से भी यहाँ के माननीय राष्ट्रपति महोदय 1997 से दिव्य प्रेम काशीपुर में खेड़ा मार्ग स्थित विक्रमपुर मोड़ पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर 2 महिला श्रमिकों के इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी घायलों का इलाज जारी है। सभी घायलों को काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित सोहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ सोहता हॉस्पिटल पहुंचकर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उनका हालचाल जाना। बाजपुर में वाहन के पलटने से कुछ लोग हम लोगों के परिचित दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहे थे, अचानक वाहन के पलटने से 38 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 5 लोग अति गंभीर हैं, जिनको यहाँ काशीपुर सहोता हॉस्पिटल में 5 लोगों को ICU में एडमिट किया गया है, बाकी लोगों को जनरल वार्ड में, कुछ लोगों को सेमी ICU में एडमिट किया गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी सब लोग स्वस्थ होकर अपने घर में पहुँचे। यह भी जानकारी में आई है कि संभवतः 2 या 3 लोग हमको छोड़ के जा चुके हैं। दुखद घटना घटी है। जो लोग हमको छोड़ के चले गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग यथाशीघ्र ठीक होकर अपने अपने घर परिवार में जाएंगे। और यहाँ जो प्रभागी चिकित्सालय हैं उनको भी हमने निर्देशित किया।
बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर विशेष समुदाय के दबंगों ने पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद घायल हुए पुलिसकर्मी ने एक आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस फोर्स के पहुंचने से पहले ही विशेष संप्रदाय के दबंग लोगों से छुड़ा कर ले गए। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कुमार मदेसिया रेहड़ी प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक भाजपा से, यहाँ से रेहड़ी पटरी वाले का 10,000 रुपया का लोन भरा जा रहा था, जिसका कोई शुल्क नहीं है। 120 रुपया मनमानी तरीके से वसूल रहे हैं। ये जो यहाँ पर संविदा कर्मचारी बैठे थे उनसे हमने पूछा तो कह रहे हैं किसी बड़े अधिकारी ने हमसे बोला है। नहीं, उसका कोई रसीद नहीं दे रहा है। नहीं, ये शुल्क कितना, कोई नहीं है, ये शुल्क कोई नहीं है। अब तक मान लीजिए कि अगले समय से लेकर अभी तो प्रेजेंट टाइम यहाँ पर कल भी कुछ लोगों को हुआ और आज भी अभी तक 20-30 लोगों को इन लोग कर दिया है। 30,000 का टारगेट है। क्या कह रहे हैं ठेले वाले से, जो ठेले लगा उनसे कुछ कहा? हाँ, उनसे कहा गया कि आप लोन नहीं लेंगे तो आपको दुकानें नहीं लगने दी जाएगी। किसके द्वारा कहा जा रहा है? ये जो परिवर्तन दल की टीम जा रही है इनके द्वारा कहा जा रहा है। और यहाँ पर आने पे मनमानी तरीके से पैसा वसूल रहे हैं, दुकानदारों को भी परेशान किया जा रहा है। नहीं, अधिकारी यहाँ पर हमने अभी पहुँचा यहाँ पर तो अधिकारी से इन सब कहा बात कराने के लिए, तो कह रहे हैं अधिकारी नंबर ही नहीं रिसीव कर रहे हो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो यहाँ पे भारत में 5 राज्यों के चुनाव के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों ने भी छलांग लगानी शुरू कर दी है। आलम यह है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से जमाखोरी भी बढ़ रही है। खाद्य तेल की कोई किल्लत नहीं है, बावजूद इसके पिछले 12 दिन में रिफाइंड ऑयल की कीमत में 20 से 25 रुपये लीटर का इजाफा हुआ है। रविवार को पेट्रोल की कीमत 99.09 रुपये हो गई है, जबकि शनिवार को पेट्रोल की कीमत 98.82 रही। डीजल की कीमत आज 90.65 तक पहुंच गई है। कन्नौज में डीजल पेट्रोल के पिछले 4 दिनों से लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम इंसान के जेब पर भारी असर पड़ रहा है। साथ ही साथ किसानों को भी इसका बोझ झेलना पड़ रहा है। चुनाव खत्म होते ही तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज फिर 50 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ पेट्रोल पर 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लगातार पेट्रोल लगभग 4 दिनों से 50 पैसे 80 पैसे बढ़ रहा है। ये आम आदमी की जेब पे इतने ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम ही हैं, हम रोज़ लगभग 300-200 रुपए पेट्रोल डलवाते थे। ठीक है, आज मैंने सिर्फ 150 रुपए का तेल डलाया क्योंकि उतने पैसे नहीं मिल पाए। घर से मांगते हैं, घर पे मिलते हैं नहीं। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के पास तो ऐसी भारी आमदनी तो है नहीं भाई, घर से ही मिलेगा तभी तो हम चलेंगे। घर वालों पर अभी बोझ है क्योंकि नौकरी है नहीं, इस वजह से बोझ तो है कहीं ना कहीं जेब पे है। आदमी 2 लीटर डलाता था, आज 1 लीटर डला है, इतना बोझ। किसानों को लेकर जिस तरह से सिंचाई महंगाई हो गई होगी, जुताई की बात की जाए, डीजल पेट्रोल के बढ़ते ही जुताई वाले भी रेटों को बढ़ा देते हैं। डीजल पेट्रोल का बढ़ना मतलब हर एक चीज़ को बढ़ना भाई। ट्रांसपोर्ट डीजल पेट्रोल से चलता है, इससे जितनी ढुवाई हो, ट्रैक्टर का भाड़ा हो, बस का किराया हो या लोकल टैक्सी भाड़ा हो, सब पे असर पड़ता है। गोरखपुर में मोहब्बत का पैगाम देने वाले मशहूर सूफी सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ बाले मियाँ के लगन की रस्म अदायगी आज अकीद से हुई है, जहां कार्यक्रम की शुरुआत मजार शरीफ के संदर से गुसल के साथ हुई। इसके बाद कुरान खानी की गई। सुबह दरगाह के मुतकिल चादर और गागर पेश कर आपसी सौहार्द के लिए दुआ मांगी गई। इस दौरान कव्वालों ने दरगाह पर नातिया कलाम पेश किया, जहां वक्त के साथ साथ दरगाह पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। दरगाह के सेवादार राबिया हाशमी ने मुख्य मेले की घोषणा करते बताया कि 22 मई से शुरू होने वाला मेला 1 महीने तक चलेगा। आखिर में मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। ये मेला जिसे बाबा का लगन धरा है आज, बाबा का शादी का, यहाँ हिंदू के मुस्लिम सब मतलब जितने जात के होते हैं लोग, सब धर्म के आदमी लोग आते हैं बाबा का दर्शन। ये बाबा का ऐसा दरबार है, कोई चीज़ मांग लीजिए खाली नहीं पाइएगा, हमेशा मुराद पूरा होगा आपका। मेला कब है? ये 22 मई का मेला है। ये तो कोई अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाएगा कितना दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं लोग। सही सलामत सुगाजी रहमतुल्ला अलैह कि लगन वार्षिक 27 मार्च और यहाँ धूमधाम से मनाई जा रही है जुलूसों के साथ। अभी 11 बजे से 1 बजे तक जुलूस आएगा। श्रद्धालुगढ़ यहाँ भीड़ हुई है कोविड ख़त्म होने से, जब यहाँ अब भीड़ बढ़िया से हुई है।
सहारनपुर में पल्स पोलियो अभियान का आगाज आज शुरू हो गया। इसके तहत जिले भर के 6,24,219 बच्चों को पोलियो से बचाव के खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से ड्रॉप पिलाया जाएगा। सीएमओ संजीव मांगलिक ने बताया कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये घर घर तक चलेगा। ये पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे जिले में भी चल रहा है। ये संडे से चलेगा और ये फ्राइडे तक चलेगा। संडे पर बूथ एक्टिविटी होगी और उसके बाद मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये हाउस टू हाउस चलेगा। इसके अंदर हमारे 1875 बूथ लगे थे संडे में और करीब 1335 टीम हमारी हैं, जिसमें 443 सुपरवाइजर्स हैं। लगभग सर अब तक कितने पिला चुके हैं बच्चों तक के? 6 लाख कुछ का लक्ष्य रखा गया है आज की डेट में। ये 3,28,996 बच्चों को अभी तक हम पिला चुके हैं, तो ये करीब 52.7% कवरेज अभी तक हो चुका है। ये पूरा हम करने फ्राइडे तक। हापुड़ के मोदी कॉलोनी में रहने वाले 38 साल के इमरान इब्राहिम के लिए लगभग 10 साल लड़की की खोजबीन चल रही थी। वही मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के बड़े बाजार निवासी 3.5 फीट की इमराना की लंबाई कम होने से शादी नहीं हो पा रही थी। रिश्तेदारों की पहल पर इब्राहिम और इमराना का रिश्ता 2 दिन में तय हो गया और दोनों का निकाह हो गया। दूल्हे इमरान इब्राहिम ने कहा है कि वो अपनी शादी को लेकर बेहद खुश है, हालांकि छोटे कद के कारण उसे जीवन में बेहद परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।